सो गाइस काफी टाइम से एलविश यादव और कीर्ति मेहरा के नाम को एक साथ जोड़ा जाता है, उन पर एडिट्स बनाए जाते हैं। उनके ब्रेकअप को काफी टाइम हो चुका है, फिर भी लगातार उन पर एडिट्स बनाए जाते हैं। तो इसी चीज से परेशान होकर कीर्ति मेहरा ने एक स्टोरी अपलोड की कि उनके नाम को किसी के साथ भी ना जोड़ा जाए। उन्होंने लोगों से ये रिक्वेस्ट की थी। इसी चीज पर एलविश ने भी अपने व्लॉग में बात की, उन्होंने क्या कहा देखिए। भाई मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई तुम्हारे साथ है, क्या बात है, अगर कोई तुम्हारे साथ है तो है, और कोई तुम्हारे साथ नहीं है तो नहीं है। साफ सीधी बात, हमारे साथ कोई होगा पहले जो अब नहीं है तो वो नहीं है और वो ना होगा। ये सच्चाई है लाइफ की, समझ आई। दूसरी एक होती है जी पर्सनल लाइफ, इसकी अलग चल रही होगी, हमारी अलग चल रही है, आपकी अलग चल रही होगी। आप में आप मत जागो ना, कोई अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करे यार, करना है ना थोड़ी तो, मतलब तो करना है यार, तुम्हें क्या है भाई। सो मैं हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि कृपा करके मेरा नाम किसी के साथ ना जोड़ें, कोई मेरे बेफालतू के एडिट्स ना बनाएं। क्लियर। गुड मॉर्निंग गाइस, काफी सारे लोगों के काफी सारे क्वेश्चंस थे, और जो ऐसे मेरे प्रिय सज्जन हैं उनके सबसे पहले क्वेश्चन तो ज्यादातर ये थे कि आप डेली व्लॉग्स क्यों नहीं डाल रहे हैं, या फिर आप व्लॉग्स डालना कम क्यों कर दिया आपने। तो उसका सबसे मेजर रीजन ये था, मतलब मैं बताती हूँ कि आप व्यूज नहीं देते, हंसी मजाक में कुछ भी बोलती हूँ उस मामले में, पर उसका मेजर रीजन ये था कि डेली व्लॉग्स मैं बनाती हूँ और मैं अपनी लाइफ का ज्यादा से ज्यादा पार्ट दिखाने की कोशिश करती हूँ, और वो मैं जनरली जो जो चीजें होती हैं वही दिखाने की कोशिश करती हूँ, मैं कुछ छुपाती नहीं। और उसके चक्कर में मेरे को जो बिना बात के आप जज करते हो या फिर बिना बात के आप हेट देने लग जाते हो, और मैं ये अपने वेल विशर्स के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं उन लोगों के लिए बोल रही हूँ जो पूरे दिन आके सिर्फ मेरे कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के बैठे रहते हैं और वो वेट करते हैं कि मैं कुछ अपलोड करूँ और वो कैसे आके फटाफट से कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोल दें, या फिर मेरे को इस चीज़ पर जज कर लें या उस चीज़ पर जज कर लें। मैं जितना अपनी पर्सनल लाइफ दिखा रही थी, या मैं जितना भी अपने दोस्तों को दिखा रही थी, या मैं कॉन्टेंट बनाने के लिए कुछ भी कर रही थी, तो आप लोग मतलब जो एकदम अभी आँख गड़ा के देख रहे वो लोग ऐसे हो गए थे कि हाँ ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। तो मेरे को लगा कि यार डेली व्लॉग्स मेरे को नहीं बनाने, मैं जितनी अपनी पर्सनल लाइफ दिखा रही हूँ उतना ज़्यादा मेरे लिए ये टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, और काफ़ी हद तक मैं काफ़ी सारी चीज़ें इग्नोर करती रहती हूँ कि चल छोड़ कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। काफ़ी टाइम तक मैंने चीज़ें इग्नोर भी करी हैं क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पर एक होता है ना कि 10 में से 9 बार आपको ऐसा होता है कि नहीं आई डोंट गिव अ फक, पर एक बार ऐसा होगा कि आपको ना दिमाग और मेंटली आप ऐसे हो जाओगे कि यार क्या है, क्यों है, मैंने क्या किया इनका, या मैं क्या कह रही हूँ इनको आके, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं अपने हंसी मजाक में व्लॉग्स डाल रही हूँ, हंसते खेलते व्लॉग डाल रही हूँ, मैं अपनी लाइफ दिखा रही हूँ, आपको देखनी है आप देखो, आपको नहीं देखनी है आप मत देखो, पर आके इतना जजमेंटल कमेंट्स देना और गंदगी बोलना वो मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। और मैं कितने कमेंट्स डिलीट करूँ या मैं कितने अकाउंट ब्लॉक करूँ, मेरे को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है कि मैं ब्लॉक करती रहूँ या फिर मैं कमेंट डिलीट करती रहूँ। तो वो पर मैं अगर कुछ अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश कर रही हूँ या कुछ अलग भी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, तो उसमें भी जाके यही सारे कमेंट्स होते थे कि इसका ये होगा, इसका वो होगा, ऐसे टाइम स्टैम्प डाल के कि अच्छा ये इस टाइम पे ये किया, इस टाइम पे वो किया, मतलब सारे जो हैं वो लॉयर्स और जज बने हुए थे कि डिटेक्टिव्स बने हुए थे कि ये है ना तो ये हो सकता है, ये है ना तो ये हो सकता है। तो वो चीज़ मेरे को थोड़ी पसंद नहीं आ रही थी, तो मैंने डेली व्लॉगिंग के लिए इसलिए थोड़ा अपना हाथ पीछे कर लिया। ऐसा नहीं है पूरी छोड़ दी, पर हाँ थोड़ा सा मैं पीछे हो गई कि चलो अभी दूसरे कंटेंट में भी ट्राई करते हैं, बट ऐसा नहीं है डेली व्लॉग्स आएंगे। कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप कितना ही सोच लो कि आप अफेक्ट नहीं होगे या नहीं होगे, पर 10 में से 1 बार ऐसा होता है कि आपको बुरा लगने लग जाता है और आप ऐसे खुद को क्वेश्चन करने लग जाते हो कि मैंने जब कुछ किया नहीं है या मैं कुछ गलत किसी को नहीं बोल रही तो क्यों इतना वो कर रहे हैं। दूसरा टॉपिक था इसमें कि एडिट्स, जो फैन पेजेस के एडिट्स होते हैं या बाकी सारे एडिट्स होते हैं उनसे आपको फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर आपका कैसा रिएक्शन होता है या क्या होता है। तो मैंने आशना की वीडियो में बोला था, जिसका लोगों ने बहुत बतंगड़ बनाया कि मैं एडिट्स को इनकरेज कर रही हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मैंने उसमें ऐसा कुछ नहीं बोला कि नहीं आप और बनाओ आप ये बनाओ। मेरे से सिंपल क्वेश्चन पूछा गया कि आपका क्या रिएक्शन रहता है उस पर, क्या नहीं रहता, तो मैंने वो अपना रिएक्शन बताया कि हाँ वो मेरी लाइफ का पार्ट था, अगर एडिट्स मेरे सामने आते हैं तो मैं देखती हूँ छोड़ देती हूँ, उस चीज़ को मैं इरेज नहीं कर सकती। इसका मतलब ये नहीं कि आप, मैं बोल रही हूँ आप और बनाओ, एक लॉजिकल आंसर में इलॉजिकल बात ढूंढने की जरूरत नहीं है, जबरदस्ती
कि ये तो इनकरेज कर रही है। मैं अपनी लाइफ में उस वाली चीज से बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ कि मैं किसी चीज से अफेक्ट हूँ। पहली बात तो मैं इंस्टा रील के सेक्शन में जाती नहीं, मेरे सारे दोस्त जो हैं रील्स के एकदम एडिक्टिव लोग हैं, तो चाहे वो मेरा भाई हो गया, आशना हो गई, प्रतिष्ठा हो गई, सैंडी समीर, अज्जू विकास भैया, जो भी हो गए, वो सारे रील्स पे रहते हैं, मैं नहीं रहती, मेरी वो आदत नहीं है। चाहे आप मेरे किसी भी दोस्त से पूछ लो, मैं इक्की दुक्की देखूंगी, उसके बाद मैं हटके सीधा जो उसका होम पेज होता है, होम पेज मतलब न्यूज फीड जो होता है, सो जो न्यूज फीड होता है मैं वहां पे चली जाती हूँ, वहां पे चीजें देखती हूँ, पर मैं रील सेक्शन में ज्यादा नहीं रहती। और अगर आते हैं तो मैं उसको देख के बिल्कुल ऐसे इग्नोर कर देती हूँ नॉर्मल लाइफ की तरह, क्योंकि मैं इस चीज में बहुत अपना माइंड मैच्योर कर चुकी हूँ कि कुछ चीज थी अब नहीं है, बात खत्म। पर मैं ये चीज जबरदस्ती नहीं कर सकती कि जो आपके वर्ड्स हैं वो मैं मेरी जबान बोलने लग जाए कि हाँ मेरे को दिक्कत होती है, मेरे को ये होती है, मेरे को नहीं होती यार, मेरे को फर्क पड़ना बंद हो चुका है उस चीज से, एडिट्स हो या किसी के भी एडिट्स हो, मेरे क्यों ना हो, किसी के भी एडिट्स हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ये नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव एडिट्स होते हैं, नेगेटिव एडिट्स भी होते हैं, ठीक है। तो अगर आप बोलो मेरे को कि आप इनकरेज कर रहे हो, ये कर रहे हो, तो आपको वो नहीं दिख रहा कि वो एडिट्स तो नेगेटिव में भी है, तो मतलब मैं चाहूंगी कि मैं खुद के अपने नेगेटिव एडिट्स बनवाऊंगी या मैं ये सब चीजें करूं। बातें दोनों तरफ से होती है ना, अगर मैं एडिट्स को एनकरेज कर रही हूं तो फिर मैं वो पॉजिटिव वालों को भी कर रही हूँ, नेगेटिव वालों को भी कर रही हूँ। और कोई बेवकूफ इंसान होगा ना जो अपने लिए नेगेटिव एडिट्स बनवाना चाहेगा। एडिट्स भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक के साथ बनाते हो। एक फीमेल क्रिएटर यूट्यूब पे आगे काम कर रही है या वो व्लॉग्स बना रही है, अपनी डेली लाइफ बना रही है, अपने दोस्तों को दिखा रही है और कुछ कुछ चीजें नई नई ट्राई करने की कोशिश कर रही है, तो वो जितने भी लोगों के साथ दिख रही है आप उसके साथ उसका लिंकअप बनाने की कोशिश कर रहे हो, चाहे वो, मैं सीधा सीधा बोलती हूँ, चाहे वो समीर हो गया, चाहे वो सैंडी हो गया, चाहे वो अज्जू हो गया, सबके साथ आपको ऐसा रहता है कि ये इसका बॉयफ्रेंड है, ये इसका बॉयफ्रेंड है, ये इसके साथ ये है, इसके साथ वो है, इनका ये है, इनका वो। यार मैं इस चीज से इतनी फेड अप हो चुकी हूँ ना, मैं खुद भी, मेरा नेचर ऐसा हो चुका है कि चल छोड़ कोई बात नहीं कोई बात नहीं, पर कभी कभी ये चीजें ना बहुत ज्यादा हो जाती है। मेरे दोस्तों के साथ एडिट अगर मैं घूमती फिरती दिख जाऊं या मैं कहीं खाती भी दिख जाऊं, कहीं मैं खेलती कूदती दिख जाऊं, कुछ भी दिख जाऊं, आप उनके साथ मेरा लिंकअप करने लग जाते हो। आपको कुछ नहीं पता कि उनकी पर्सनल लाइफ क्या है या वो अपनी लाइफ में कैसे हैं या मैं अपनी लाइफ में कैसे हूँ, पर आपको सीधा रहता है कि हाँ इसका ये बॉयफ्रेंड है, इसका ये बॉयफ्रेंड है, इसका इसके साथ है, इसका इसके साथ है। यार थोड़ा इस चीज में ग्रो करो, ओके, किसी को भी जाके कुछ भी बोल रहे हो, मतलब पूरे दिन बैठे रहते हो ऐसे कि कुछ निकल गया, लोग पकड़ लिया हमने, कुछ नहीं पकड़ा आपने, कुछ नहीं पकड़ा आपने। मैं आपको बता दूं, ये जितने भी डिटेक्टिव्स बने घूम रहे हैं, जितने भी लॉयर बने घूम रहे हैं, जितने भी जज बने घूम रहे हैं, कुछ नहीं पकड़ा आपने। सच बोल के बुराई ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और झूठ के पैर नहीं होते, नहीं चलता। तो मैं झूठ पे अपनी लाइफ चलाती भी नहीं हूँ। मैं जब रिलेशनशिप में थी मैंने तब भी एक्सेप्ट किया है, जब मैं नहीं थी मैंने तब भी एक्सेप्ट किया है, और अगर मैं आगे होंगी तो मैं वो भी एक्सेप्ट करूंगी, सामने बताऊंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग पता लगाने लग जाओ कि है या नहीं। नहीं हूं भाई, नहीं हूं, थी तब बोला था, नहीं थी तब भी बोला था, अब नहीं हूं अब भी यही बोल रही हूं, आगे होंगी तो आगे भी वही बताऊंगी कि हूं। उसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी लाइफ डिसाइड करने लग जाओगे, हाँ तो इससे शादी कर ले, तो इससे शादी कर ले, तो इसके साथ रिलेशनशिप में आ जा, इसके साथ रिलेशनशिप में आ जा। तुम पागल हो क्या यार? मतलब कभी कभी ऐसा खुद को लगता है कि ये क्या कमेंट सेक्शन में क्या मचाया हुआ है, कितना गंदा बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। और दो तीन अकाउंट्स तो हैं जो बिल्कुल ही बैठ ही रहते हैं कि हमें आज इसको ये बोलना है, हमें आज इसको ये बोलना है, और कुछ भी कहानी बना देंगे, कुछ भी। और मेरे को लगता है कि वाह, ये ऐसा भी हुआ था, या ऐसा भी हुआ था, ये जो बोल रहे हैं ऐसा भी हुआ था। गाइस प्लीज थोड़ा सेंसिटिव हो जाओ। आप ना चाहते हुए, मुझे नहीं पता कि आपकी इंटेंशन क्या है, या आप ऐसे कॉमेंट करके या ऐसे बोल के क्या दिखाना चाहते हो, या आप कितने बड़े हो जाओगे, पर आप कहीं ना कहीं किसी को मेंटली बहुत एग्जॉस्ट कर रहे हो, और वो चीज़ अच्छी नहीं है यार। मतलब इतना नहीं करना चाहिए, है ना, इंसान है हम भी। अगर हमने अपनी पर्सनल लाइफ सामने दिखा रखी है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोल दोगे। ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारी ही गलती है कि हमने अपनी पर्सनल लाइफ इतनी दिखा दी। शायद ना दिखाते तो इतना कभी होता भी नहीं, पर अब वो गलती हो चुकी है तो हो ही चुकी है, तो मैं बस उस चीज़ को आगे सुधार सकती हूँ कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को इतना ना दिखाऊं। पर मेरे को लगता है कि मैं अगर व्लॉगिंग कर रही हूँ और उसमें मैं ये सब चीज़ें करने लग जाऊं कि नहीं मैं ये नहीं दिखा रही, नहीं मैं ये छुपाऊंगी, नहीं मैं ये छुपाऊंगी, तो फिर मैं ऑनेस्ट नहीं हूँ अपनी ऑडियंस के साथ, या फिर मैं डेली व्लॉगिंग इन सब चीज़ों के लिए ऑनेस्ट नहीं हूँ। तो इसलिए मैंने बीच में व्लॉग भी छोड़ दिया। मैंने कहा चल छोड़ कोई बात नहीं, अगर मैं रियल दिखाने पे इतनी बकवास सुनने को मिल रही है तो फिर रहने दे, अभी मत दिखा, क्योंकि झूठा मैं दिखा नहीं सकती। और अगर रियल मैं दिखा रही हूँ तो आप गालियां वालियां बक रहे हो, आप उल्टा सीधा बोल रहे हो,
तो मैंने सोचा चलो छोड़ देते, रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसा मत करो, नहीं अच्छा लगता, बहुत बुरा लगता है। तो गाइज आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में कभी ये दोनों साथ आएंगे और आपका इस पर क्या रिएक्शन है कमेंट करके जरूर बताना, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे।